नमस्ते, मैं डॉक्टर उपेंद्र चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बर्निंग फीट के बारे में, या फिर हम ये बात करें कि आपके पैरों में जलन देखी जाती है, फिर हम बात करना चाहेंगे पैरों में अगर हीट निकलती है, पैरों के तलवों में अगर गर्मी निकलती है, जलन होती है तो ऐसा क्यों देखा जाता है, क्या इसके पीछे वजह होती है, कारणों की हम बात करेंगे, कॉजेस की, रिस्क फैक्टर्स की हम बात करेंगे, जांचों की हम बात करने वाले हैं, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की भी हम बात करेंगे। जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और अगर आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हमारे रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बर्निंग फीट, पैरों के तलवों में अगर जलन होती है या फिर पैरों में भी जलन देखी जाती है तो इसके पीछे क्या वजह है। वैसे तो बर्निंग फीट के हम डिस्कस करेंगे न्यूरोपैथी यानी नर्व में डैमेज देखे जाना, नसों का कमजोर होना, नर्व, इसके अलावा इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन भी कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन आज हम मेन बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूरोपैथी, यानी अगर आपकी नसें कमजोर है, नर्व वीक है, न्यूरोपैथी है तो आपके बर्निंग फीट, पैरों में तलों में जलन देखी जाती है, टिंगलिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कुछ ऐसी बीमारियां हैं, डिजीज हैं जिनमें न्यूरोपैथी यानी कि आपकी नसों की कमजोरी देखी जाती है, नसें डैमेज हो जाती हैं। नर्व डैमेज जिसमें हम हाइपोथायरॉयडिज्म डिस्कस करना चाहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी आपका नर्व डैमेज देखा जाता है। अल्कोहलिज्म की हम बात करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा अब्यूज ऑफ अल्कोहल यानी बहुत ही ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन हुआ है तो वैसे केसेस में भी नर्व वीक डैमेज, और हम हाइपरस्थीसिया भी कहते हैं या फिर हम इसको एक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि आपके जो नर्व्स हैं वो आपके ब्रेन को सिग्नल करती हैं पेन का, जबकि वुंड होता भी नहीं है, है ना, तो वो एक मिसफायर कर देती है, आपको पैरों में दर्द एक पेन या फिर रनिंग पेन और हीट देखा जा सकता है। फिर बात करना चाहेंगे हम यहाँ पे विटामिन B12 डेफिशिएंसीज की, विटामिन B6 की भी, 12 की भी, फोलेट की डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से भी आपको पैरों में जलन हो सकती है, कमजोरी, नर्व डैमेज, नर्व वीकनेस की वजह से। डायबिटीज मेलिटस की हम बात करना चाहेंगे, बहुत ही कॉमन है डायबिटीज के केसेस में आपको न्यूरोपैथी देखी जाती है और इस केस में भी आपका पैरेस्थीसिया ये डेवलप हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज की हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, क्रॉनिक किडनी डिजीज इसमें यूरिनरी कंडीशन में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो वैसे केस में भी आपको ये बर्निंग फीट देखा जा सकता है। और भी बहुत सारी वजह है, अगर हम बात करें गुलेन बेयर सिंड्रोम की या फिर हम बात करें क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी, ये भी एक कंडीशन है। साइकोडोसिस की हम बात करना चाहेंगे तो ये कुछ रीजन है, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, विटामिन की कमी है, अल्कोहल का यूजेस है, डायबिटीज है, थायराइड है, कुछ ड्रग्स की हम बात करना चाहेंगे, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे अगर हम कैंसर की ड्रग्स की बात करें या फिर हम डायबिटीज की ही ड्रग्स की क्यों ना बात करें, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखी। डायग्नोस कैसे किया जाता है, क्या जांचें जरूरी होती है, देखिए यहाँ सबसे जरूरी तो होता है आपका कंप्लीट केस चेकिंग, कंप्लीट केस हिस्ट्री, कि आपका खुद का इंडिविजुअल क्या केस हिस्ट्री रहा है, आपको डायबिटीज के सिम्टम हैं, थायराइड के सिम्टम हैं या फिर कोई और आपको विटामिन डेफिशिएंसी के साइन है, क्या साइन और सिम्टम है आपके, पूरे टोटैलिटी कलेक्ट कर लेना, आपका हिस्ट्री देख लेना कि क्या रहा है, कोई मेडिसिन का यूजेस तो नहीं रहा है, और जब कुछ रिक्वायर्ड टेस्ट लगते हैं जैसे मान लो कंप्लीट ब्लड काउंट आपका CBC करा लेना, डायबिटीज का टेस्ट, आपका थायराइड प्रोफाइल, आपका विटामिन के टेस्टिंग करा लेना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे तो आपका मसल्स EMG कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी आपका मसल्स का स्टडी कर लेते हैं, अगर हम बात करें मसल्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और नर्व कंडक्शन स्टडी भी कर लेते हैं, यानी नसों की जो एक कंडक्शन किया जाता है कि कैसे नर्व रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और फिर अगर हम बात करें वेरी रेयर, रेयर टू रेयर, रेयरेस्ट है कि आपका नर्व बायोप्सी कर लेते हैं जब कुछ कॉज ही नहीं मिलता है, कोई साइन ही नहीं मिलता है एग्जैक्टली कि किस वजह से ऐसा देखा जा रहा है। ट्रीटमेंट फॉर बर्निंग फीट, पैरों में जलन में तलवों का ट्रीटमेंट, इन एलोपैथी की हम बात करेंगे और होम्योपैथी की हम बात करेंगे। देखिए एलोपैथी तो ज्यादा कॉज पे फोकस करता है, यानी कि ट्रीट द कॉज, जो आपका कॉज रहेगा, अगर आपको डायबिटीज की वजह से ऐसा है तो आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट, थायराइड की वजह से है तो थायराइड का ट्रीटमेंट, विटामिन की डेफिशिएंसीज है तो आपको विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि आपका क्या एग्जैक्टली अंडरलाइन कॉज है, अल्कोहल को स्टॉप करना है ना, ये कुछ हेल्दी हैबिट्स आपको फॉलो करना रहेगा। फिर हम बात करना चाहते हैं एक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन फॉर बर्निंग फीट, अगर आपके पैरों में जलन है तो टॉप रेमेडीज की हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। होम्योपैथी वैसे फोकस करता है आपके इंडिविजुअल अप्रोच पे कि क्या आपका इंडिविजुअल अप्रोच है, कब से आपको ये प्रॉब्लम है, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम क्या है और साथ में क्या एसोसिएटेड सिम्टम है। इंडिविजुअल और होलिस्टिक अप्रोच पे ये कुछ मेडिसिन हैं, ये जनरल मेडिसिन हैं, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और सारी दवाइयां आपको नहीं खरीदनी होती हैं, आपको अपने केस के अकॉर्डिंग दवा खरीदनी होती है। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हमें देख रहे हैं, बात करना चाहेंगे तो उस पर्पज के लिए आपका हो सकता है कंपनी डिफर हो, बट मेडिसिन के नेम पे आप जाएंगे। आर्सेनिक एल्बम आपने बर्निंग में सुना होगा, आर्सेनिक एल्बम हम बर्निंग में जलन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इंटरनल बर्निंग में आर्सेनिक के बहुत अच्छे इंडिकेशन देखे जाते हैं, बड़ा क्वांटिटी आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं,
और इन पे ड्रॉप लगेगी हेल्प से, बस एक या दो ड्रॉप लेना रहेगा। आसन के इंडिकेशन की हम बात करना चाहेंगे, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, इंटरनल बर्निंग देखी जाती है और वीकनेस देखी जाती है। तो ये आसन के मैलबम के सिम्टम रहेंगे 30 और 200 में, एक दो ड्रॉप दिन में एक दो बार खाने खाने से पहले। फॉस्फोरस हम ऐसे केसेस में यूज करते हैं जब आपको यू नो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन देखे जाते हैं। फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है बर्निंग में, ये सारे सिम्टम कवर होते हैं, लेकिन जो इसके पेन होते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन देखे जाते हैं। ये भी आप स्मॉल क्वांटिटी में 30 और 200 ड्रॉप सेम लगे हुए होते हैं, एक दो ड्रॉप दिन में एक दो बार। ये सारी दवाइयां नहीं लेनी रहेंगी, आप अपने केस पे जाए। मेडोरानम भी बर्निंग फीट में, पैरों में जलन में बहुत ही अच्छी दवा है। जब आप सुबह उठते ही हैं, उठते ही जैसे ही पैरों को आप टच करते हैं ग्राउंड पे, तो वैसे ही जो है आपको प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग देखी जाती है पैरों में, बर्निंग देखा जाता है और पेन भी देखा जाता है। तो ये मेडोरानम के सिम्टम रहेंगे। सल्फर होम्योपैथी में ऑलमोस्ट टॉप रेमेडी है इन बर्निंग। सल्फर बर्निंग में नंबर वन ग्रेड पे माना जाता है। सल्फर को हम यूज करते हैं, सल्फर हॉट पेशेंट है और ये कूल प्लेस की डिजायर करता है, यानी इसको ठंडा चाहिए होता है। सल्फर में बर्निंग है, ईचिंग है, तो ये और अनहेल्दी कंडीशंस देखी जाती हैं, एवर्जन टू वॉश एंड बेथिंग। हाँ, तो वैसे सिम्टम में आप जो है सल्फर देख सकते हैं। सल्फर को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना रहेगा, सिर्फ एक डोज भी आप ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे काली फॉस की। देखिए काली फॉस के बहुत अच्छे इंडिकेशन देखे जाते हैं। एक बायो कॉम्बिनेशन है, टैबलेट फॉर्म में है, 3x टैबलेट है ये, थोड़े बिगर टैबलेट भी है ये। अगर आपको ये टैबलेट नहीं मिल पाते हैं तो काली फॉस का डाइल्यूशन भी आता है, इस टाइप का मेडिसिन भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। फिर काली फॉस के इसमें बर्निंग है, पैरास्थीशिया है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी है और कई बार वीकनेस भी दिखी जाती है काली फॉस में, इंडिकेशन देखे जाते हैं काली फॉस के, है ना। टैबलेट फॉर्म में है, एक दो टैबलेट दिन में एक दो बार खाने खाने से पहले आपको रेगुलरली यूज करना है। वो भी वीडियोस आपकी हेल्प कर सके, इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए। और अगर आप क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो क्लिनिक हमारा न्यू दिल्ली रोहिणी सेक्टर 13 में है, आप अपॉइंटमेंट बेसिस पे हमें विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन वीडियो या वॉइस कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन वीडियो वॉइस कंसल्टेशन अवेलेबल रहता है अक्रॉस ग्लोब, हाँ आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हमारे कंसल्टेशन अवेलेबल रहता है। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।